काफ़ी सालों बाद बॉम्बे थाने अपने घर पे और निकल चुके हैं एक ट्रिप के लिए, शॉर्ट ट्रिप के लिए, क्योंकि ओकेजन है अंशु का बर्थडे। सो हम एक पूना के पास बहुत ही अच्छे रिजॉर्ट में जा रहे हैं, जो अभी तक सरप्राइज अंशु को नहीं बताएगा। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है रिजॉर्ट से? हम भी वो देख के पता चलेगा, तो बताएंगे। खुद तो सोच रहे ठीक ठाक से, मेरे से चॉइस नहीं हो सकती। लेट्स सी। नायू, how are you feeling? इस नायू ने मेरा हेयरबैंड पहले मेरा हेयरबैंड चुरा, मतलब एकदम बालों से ऐसे खींच करके पहना उसने मेरा हेयरबैंड। और वैसे में जब उसका हेयरबैंड पहना था तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आता पहनने में। अम्मा का दे दो, दे दो। पापा पास ही बैठोगी आप? ये नायू, नायू अपने पापा का हैप्पी बर्थडे बोली, बोलो फिर से। लंच हाउस खत्म होने वाली थी, क्योंकि रिजॉर्ट पहुँचने में हमें ऐसा लगा कि हम लोग जैसे वैष्णो देवी की यात्रा करके जा रहे हैं, बहुत लाइक 4 आवर्स अवे फ्रॉम थाने। सो आके हमने सीधा लंच किया है, बहुत ही अच्छा डिलीशियस लंच, विच इज़ इंक्लूड इन द पैकेज। और अभी आपको दिखा देता हूँ। महाराजा रूम्स है ये, और काफ़ी स्पेशियस, बहुत ही सुंदर बालकनी, बहुत ही सुंदर व्यू, एंड टॉयलेट बाथरूम भी सब एकदम स्पेशियस एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। और सबसे ज़्यादा मज़ा जो इस रूम का है वो है व्यू का, कि फर्स्ट फ्लोर पे है रूम, और इसके नीचे वाला जो रूम है वो प्रीमियम कैटेगरी है, ये महाराजा कैटेगरी। तो प्रीमियम कैटेगरी थोड़ा सा सस्ता है और महाराजा इज़ महंगा बिकॉज ऑफ द व्यू। सो आफ्टर अ क्विक नैप वी आर लिविंग फॉर आवर हाई टी। और यहाँ पर बहुत ही ठंडा मौसम हो गया, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। व्यू तो अपने देख ही लिया है, बहुत सुंदर है, जितना मैं कैप्चर कर पा रही हूँ उतना मैं आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि बारिश है। Photos? Okay. Now start. Now you start. कैसे? Ah. Oh. Okay. ठीक है. Anshu, happy birthday. अंशु, कैसा लगा आपको बर्थडे सेलिब्रेशन? मजा नहीं आया यार। कुछ और कोहनी मारूं क्या? कोहनी कोहनी मार के ना ऐसा कोहनी मारनी चाहिए। फिर अंशु, मैंने बोला रूम पे कि यही पहनोगी, कुछ शर्ट वर्ट पहनो। अरे नहीं यार, मुझे यही पहनना है। बारिश भी हो रही है, तब तो सब कुछ आलस वाले मूड में था, बट कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे थे आप। है कुछ और भी कर सकते थे लेकिन। हाँ, क्या कर सकते थे? यहाँ बारिश में कपड़े उतार करके नाचते मतलब। हाँ हाय बड़े। अभी हम अंशु का और सेलिब्रेशन करने के लिए अनाया द डांसर को लेके जा रहे हैं हम डिस्को में। चलो अभी आपको लग रहा है मैं सुबह से तैयार बैठ गई हूँ, बट ये कल रात का मेकअप है जो कि मैं इतना थक गई थी कि मैंने कब बनाया कि सुलाया, मैं कब सो गई साथ में। आई डोंट इवन रिमेंबर। सो इट्स अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग अगेन। बहुत बारिश हो रही है, फिर अभी तो कम हो गई है, बट हम लोग बाहर बैठ करके बस इस व्यू के मज़े ले रहे हैं। ठंडा ठंडा सा भी लग रहा है और आप जानते तो हैं, अब सुबह उठ गए हैं तो मतलब पर्पज़ तो यही रहता है कि ब्रेकफास्ट कर लो जल्दी से। सो वी गेट रेडी, ब्रेकफास्ट करेंगे। थोड़ा प्रॉपर्टी थोड़ा, क्योंकि बारिश थोड़ी कम हो तो प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम देख रहे हैं, और भी बहुत कुछ है प्रॉपर्टी में। सो लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं। आप क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में? place is really beautiful. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने के लिए, ट्रैक्टर राइड है, फार्म एनिमल्स हैं और हॉर्स राइडिंग, बुलक कार्ट राइडिंग, एवरीथिंग इज़ देयर. बट अभी बारिश में कुछ भी एक्सेसिबल नहीं है और ऑन एंड ऑफ बारिश हो ही रही है. तो जो मज़ा है इधर का बारिश का है, बट फिर कभी कभी टू मच हो जाता है बारिश. सो हम वेट कर रहे थे कि आज एटलीस्ट सुबह थोड़ी धूप निकले तो हम अच्छे फ़ोटोज़ खिंचा पाएँ, हम अच्छे से घूम पाएँ, बट नो. बहुत बारिश वगैरह हम झेल झाल कर वापस आ गए हैं. वेट किया था कि बारिश थोड़ी कम हो तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हम आपको बहुत अच्छे से शूट करके दिखाते हैं, बट नॉट पॉसिबल. बारिश हो जाती है कि कैमरा पकड़ो, कि अम्ब्रेला पकड़ो, कि अनाया को पकड़ो, तो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता. सो एज आई सेड देयर वर मेनी थिंग्स. काउ फार्म था, फार्म एनिमल्स थे, सब कुछ था जो अनाया को बहुत ही मज़ा आता. ट्रैक्टर राइड थी, बुलक कार्ट राइड थी, एवरीथिंग वाज देयर. सो नहीं हो पाया. बट अबाउट द रिजॉर्ट, अबाउट द प्रॉपर्टी, इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. लास्ट के 2-3 किलोमीटर्स पहुंचने के लिए रास्ता थोड़ा सा हल्का सा ख़राब है. अबाउट द प्रॉपर्टी, द स्टाफ इज़ सो पोलाइट एंड सो हेल्पफुल. हैसल फ्री चेक इन चेक आउट होता है एंड कोई भी चीज़ के लिए ना दे आर जस्ट रेडी टू हेल्प यू. बहुत ही पोलाइट स्टाफ है. सो आई ऑन दैट आई वुड बी गिविंग देम 5 on 5. अबाउट द कॉस्ट, डिपेंड्स ऑन द सीज़न, विच सीज़न यू आर बुकिंग. हमें जो रूम हमारा सबसे बड़ी मतलब सबसे ऊँची कैटेगरी का था, दैट इज महाराजा रूम्स. इट वॉज 14,000 वी बुक डिट इन विथ टैक्सेज, विथ ऑल द बुफे. Everything, breakfast, lunch, dinner and high tea, everything was included in that. And from Thane to this Malhar Machi Resort, that is in Pune. Please don't follow the Google Maps क्योंकि वहाँ हमें होटल से इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि Google Maps फॉलो मत कीजिएगा, वहाँ से शॉर्टकट है जो कि आपको बहुत ही लॉन्ग कट पड़ेगा. So we actually went from Thane to Pune and Pune से एक रास्ता है, वहाँ से हमने वो रिजॉर्ट में गए थे. So around 3.5 hours to 4 hours. बारिश में तो इतना लग ही जाएगा, बाकी अगर रेन्स ना हो तो आप 3 hours में भी पहुंच सकते हैं. बट ओवरऑल अ गुड प्लेस. वी हैड फन विद द व्यू एंड द रूम वाज अमेजिंग.